देखिए ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल बता रहे हैं आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन, पार्ट थर्ड आज होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 से आज बताएंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है। ध्यान दीजिएगा क्या कि कह रहा है यहाँ पे घूमने पर चारों ओर घूमता है तो क्या होता है, परिमाप होता है। तो परिमाप किस क्या बताए हैं, परिमाप का फॉर्मूला है तो क्या होता है, 2 × L+B होता है, तो एल प्लस बी होता है ना। दिया हुआ कितना है 6 किलोमीटर, तो क्या लेकर चलते हैं, 2 × L+B बराबर हो गया 6, तो इस काट देंगे 3 बार में, L+B कितना आ गया 3 आ गया। और क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, देखिएगा L × B कितना दिया हुआ है, L × B है 2 वर्ग किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर² हो जाएगा, ये क्या है किलोमीटर में है। तब क्या करते हैं, देखिए अंतर निकालने बोला है, L-B निकालेंगे, L-B के होल स्क्वायर बराबर होता है L+B के होल स्क्वायर माइनस 4 LB, ए बी होता है, A-B के होल स्क्वायर क्या होता है A+B के होल स्क्वायर माइनस 4 AB, उसी पे सेट किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो वैल्यू रखा हुआ है LB का, तो LB का यहाँ पे रखेंगे, और L+B का तो L+B का 3 रखेंगे, तो L-B निकालना है। देखिए L+B को होल स्क्वायर करते हैं, L+B कितना, 3×3 9 हो जाएगा, और माइनस 4 × 2 कितना LB का है, तो 2 रख देते हैं LB का वैल्यू, तो 4×2 8, ये क्या हो गया घटके 1, LB माइनस कितना हो गया LB² बराबर हो गया 1, तो L-B बराबर क्या हो जाएगा, L-B बराबर हो जाएगा √1, तो L-B बराबर 1 हो गया, यही हो गया आंसर, कितना किलोमीटर में, तो किलोमीटर हो गया। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न पर ये मतलब कि छठा, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति का अनुपात दिया हुआ 5:16, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ निकालना है। देखिए एल और पी, एल मतलब लेंथ हो गया, पी मतलब परिमीटर, इसका अनुपात दिया हुआ हमको, एल अनुपात भी निकालना है। ध्यान दीजिएगा क्या, देखिएगा परिमीटर क्या होता है, 2 × L+B होता है परिमाप, तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16। हम बोले थे कि अगर रेशियो में रहे तो उसको क्या करते हैं, एक्स को लेकर चलते हैं, एक्स साथ में मान लेते हैं, तो क्या होता है पैरामीटर दिया हुआ है 16x बराबर क्या हो जाएगा, 16x बराबर 2 × L+B, L का मान कितना दिया हुआ 5x+B हो गया, जिसका वैल्यू जो दिया हुआ वो कर देते हैं 2 से काट देते हैं, 8×2 16 8x बराबर क्या हो जाएगा 5x+B, तो बी बराबर क्या हो जाएगा घट गया इधर आके, तो कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया एल अनुपात बी बराबर क्या हो गया 5x अनुपात 3x, तो एक्स से एक्स कट गया 5:3 आंसर हो गया। देखिए 7वां नंबर प्रश्न पढ़िएगा, किसी आयत की लंबाई तथा उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्या कि लंबाई से बोल रहा है 1 सेंटीमीटर क्या है अधिक है, तो लंबाई को क्या करते चौड़ाई, चौड़ाई से, तो चौड़ाई को एक्स मान लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा X+1, 1 सेंटीमीटर अधिक है, या सेंटीमीटर में माने तो सेंटीमीटर ये भी होगा। अब क्या कह रहा है परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर लिख देंगे, L+B होता है हमारा फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर बराबर 2 × x+1। ध्यान दीजिएगा क्या जो यूनिट रहेगा उसको यूनिट के नहीं छोड़ना है, देखिएगा 2x+x कितना हो जाएगा 2x+1 हो जाएगा, तो देखिए 14 को क्या करते हैं काट देते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 2x+1, 1 को इधर ले आइए तो 6 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 2x, 2 से काट दीजिए 3, तो x बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, तो क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर में, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है एरिया निकालने बोल रहा है ना, तो एरिया क्या होता है L × B होता है, तो 3×4 हो जाएगा 4×3 12 सेंटीमीटर² देखिए प्रश्न संख्या 8 पढ़िएगा, एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर है, इस आयत की लंबाई कितनी होगी, आयत की लंबाई पूछ रहा है, विकर्ण क्या दिया हुआ, विकर्ण क्या होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ, हम क्या करते हैं L² + B² इसको क्या करते इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 25² हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा L² + B² बराबर कितना हो गया 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। उसके बाद देखिए L+B के होल स्क्वायर क्या होता है,
एल प्लस बी केवल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एल बी। देखिए दिया हुआ था क्या, एल बी दिया हुआ था ना, एल बी दिया हुआ है मतलब एरिया दिया हुआ था कितना, 168 दिया हुआ था, 168 सेंटीमीटर में या मीटर में, चलिए देखते हैं यूनिट बाद में देखेंगे। देखिए दिया हुआ है, इसको फॉर्मूला पे सेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 625 प्लस दो गुना एल प्लस बी, 168 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 625 प्लस 8 दुना 16, 6 दुना 12 1 13, 2 1 2 1 3, 625